जब भी कुछ मीठा खाने को मन करे तो तुरंत मावा केक बनाएं और इसे गर्मा गर्म टी के साथ एंजॉय करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कमलेश संधू और आज कमलेश संधू कुकिंग में बन रहा है मावा केक। मावा केक में हम ना दही इस्तेमाल करेंगे, ना अंडा इस्तेमाल करेंगे, ना चीनी इस्तेमाल करने वाले हैं, ना ओवन में हम बेक करेंगे, इसे गैस पर ही हम इसे बेक करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए चलिए करते हैं शुरू। एक कप मैंने मैदा ले लिया है। ये सबसे पहले मैं एक बर्तन में सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स ले लूंगी। मैंने एक चम्मच बेकिंग पाउडर ले लिया है और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लेते हैं और इनको तीनों को मिलाकर कई बार छान लेंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो सके। ये मैंने 2-3 बार छान लिए हैं और अब जो है दूसरे बर्तन में ले लेते हैं लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले ले लेती हूँ मैं ये कंडेंस्ड मिल्क 130 ग्राम और इसके साथ ले लेते हैं 1/4 कप ऑयल और 1 टीस्पून ले लेते हैं वनीला एसेंस और 100 ml मिल्क हम इसमें मिक्स करते हैं। अभी इसके लिए हमें कैश्यू नट्स और मावा और चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा बाद में हम डालेंगे। अब कर लेते हैं सबको मिक्स करके एकदम बीट कर लेते हैं और इसी के दौरान मैं डाल देती हूँ इसमें 50 ग्राम मावा। मैंने ये तोड़ कर डाला है। मावे को ग्रेट भी किया जा सकता था लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दिया है क्योंकि बीटिंग के दौरान ये सब स्मूथ हो जाएगा। अभी मैदा रह रही है, वो मैं थोड़ा थोड़ा डालती चली जाऊंगी, बीटिंग करती चली जाऊंगी और इससे ये एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। और ये मैंने लास्ट मैदा डाल दिया है इसमें बची हुई और ये बन गया है हमारा बहुत ही स्मूथ पेस्ट। इसकी बीटिंग अब और आगे नहीं करेंगे, यहीं इसकी बीटिंग रोक देते हैं और कर लेते हैं टीन को हम ग्रीस। ये देखिए मैंने ग्रीस करके थोड़ी सी मैदा भी लगा दी है इसको और नीचे इसके बिछा देती हूँ ये बटर पेपर ताकि हमारा केक आसानी से बाहर निकल आए। और इसमें अब हम पेस्ट डाल देते हैं जो हमने तैयार किया है। और पेस्ट का ध्यान रखना है कि हमारा पेस्ट एकदम रिबन फॉर्म में होना चाहिए, तभी केक का स्पॉन्ज अच्छा बनेगा। इधर गैस पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा नमक डालकर 5 मिनट के लिए ढककर उसे हीट कर दिया है। ये ओवन का काम करेगा और इसके बाद हम रख देते हैं इसमें तुरंत अपना पेस्ट और ऊपर से हम डाल देते हैं इसमें काजू। मैंने काजू ऊपर ही डाले हैं, आप चाहें तो अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने ये प्लेट से बिल्कुल एयर टाइट बंद कर दिया है, हीट अंदर ही रहनी चाहिए, बिल्कुल बाहर नहीं निकलनी चाहिए, तभी ये अच्छी तरह बेक होगा और 15 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। आइए चेक कर लेते हैं इसको। देखिए काफी पक चुका है लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी इसमें कसर है। एक बार इसे चेक और कर लेते हैं। ये देखिए काफी अभी कसर है इसमें, तो हम इसे फिर से ढक देते हैं और 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। चलिए अब 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। मैं इसमें स्टिक डालकर देखती हूँ, अगर स्टिक बिल्कुल साफ निकलेगी तो इसका मतलब ये परफेक्ट हो चुका है, अदरवाइज हम 1-2 मिनट इसको और दे सकते हैं। चलिए मैंने ये ढक दिया है और फ्लेम बंद कर दी है और बिल्कुल ये अब पकता रहेगा धीरे धीरे, इसमें जलने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो नमक की हीट अंदर बनी हुई है वो जो इसके कसर को पूरी कर देगी। तो ये देखिए मैं चेक कर लेती हूँ, एकदम परफेक्ट है ये। इस टाइम हम इसे उतार लेते हैं। ऊपर डले काजू भी अच्छी तरह भुन चुके हैं तो अब निकालते हैं इसे टिन से, देखते हैं हमारा केक कैसा निकलेगा। वैसे इसने दीवारें भी छोड़ दी हैं, पकने के बाद एकदम केक दीवारें छोड़ देता है, लेकिन फिर भी चाकू से हम साइड साइड चलाकर आराम से इसे निकाल सकते हैं। ये देखिए बहुत आराम से ये निकल गया है और दिखा देती हूँ आपको कितना टेस्टी बढ़िया स्पंजी हमारा केक बना है। मैं इसे काट कर भी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए बहुत ही स्पंजी ये केक बना है, देख के मजा आ गया है। केक का स्पंज जो बना है वो जो ऊपर नीचे घूम रहा है बहुत ही गद्देदार और बहुत ही स्पंजी, बहुत ही टेस्टी देखने में, देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। क्यों फ्रेंड्स, है ना टेस्टी केक, बढ़िया बना है ना।
तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपसे अपने सहयोग के लिए, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से लाती हूँ बनाकर वीडियो आपके लिए। अगर मेरी वीडियो में या रेसिपी में कोई भी कमी रह गई है तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।